लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया के खास कार्यक्रम फेस टू फेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जावेद अख्तर ने लिखा है कि जिंदगी है तो ख्वाब हैं तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो हौसला है और हौसला है तो विश्वास है कि फाइटर एक दिन जरूर जीतता है। आज हम बात कर रहे हैं दिवंगत दीपा पाटिल साहब के बारे में। वो ऐसे ही एक फाइटर माने जाते रहे हैं जिन्होंने प्रकरणग्रस्तों के लिए सारा जीवन समर्पित कर दिया। उनके समर्पण और त्याग भावना के कारण ही आज नोइंबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका नाम देने की मांग चल रही है। प्रकरणग्रस्तों का मानना है कि दीपा पाटिल साहब उनके मसीहा है, इसलिए नोइंबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिर्फ और सिर्फ दीपा पाटिल का ही नाम होना चाहिए हो गए हैं। और इस वक्त उनके साथ जो उनके जीवन संघर्षों में हमेशा साथ रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ जेडी टांडेल साहब है। टांडेल साहब का टीवी वन इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आप उनके साथ तकरीबन 25 साल तक उनके आप सहयोगी रहे हैं, किस तरह का जीवन प्रवास आपने देखा है और उनका विजन कैसा था? उनके आखिरी 25 साल हम उनके साथ थे। और उनका जो न्याय करने का जो ये था, कोई भी उनके पास आएगा, गरीब आएगा, मजदूर आएगा, तो न्याय करने का एकदम इम्पार्शियल था और कभी वो किसकी साइड नहीं लेते थे। जो न्याय है वो सच है, वो सच ही बोलते थे। विधान परिषद सदस्य, विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र का 2 बार खासदार बन गए, चुने हुए नगराध्यक्ष पहले बन गए पनवेल शहर नगरी के। तो इतना राजकीय एक करने के बावजूद भी खुद उनने कभी भी किसी भी चीज का लोभ नहीं उनके सामने, और हर करियर में उसने लोगों के बारे में सोचा, जो गरीब जनता थी, जो किसान था, दलित था, पद्दलित था, उनके बारे में सोचा। तो इसलिए क्या मालूम है, ये सब करने के बाद ही उनका खुद का घर भी नहीं बना। खुद का घर में जो घर में रहते हैं, वो हमारे इधर का नजदीक का गांव है कामोठा, वो कामोठे गांव के 364 लोगों में खुद उसके ऊपर मेहनत करके घर बनाया और वो घर में वो खुद रहते थे। ऐसे दीपा पाटिल साहब उनका जो नॉन करप्ट जो करियर है, वो करियर जब लोग देखते हैं, कोई भी ऑफिसर, कलेक्टर के पास जाओ, सचिव के पास जाओ, मिनिस्टर के पास जाओ या सीएम के पास जाओ, वो अपने आप डरता था उनसे, वो साइकोलॉजिकली डरता था कि दीपा पाटिल आ गए तो कोई भी मिनिस्टर अपनी जगह छोड़ के सलाम करने को आता था। ये ऐसा मेरा अनुभव। जब उनका प्रकरणग्रस्तों का आंदोलन शुरू हुआ, आपने देखा होगा कि जब जेएनपीटी का मामला था या दूसरे कई मामले थे, उसको लेकर बहुत ही तीव्र आंदोलन हुआ था। उसको रक्तरंजित क्रांति के तौर पर भी जाना जाता है। 5 लोग उसमें हुतात्मा हुए थे, शहीद हो गए थे। आप उस आंदोलन के संदर्भ में किस तरह से उनकी भूमिका रही उस वक्त? ये जो सिडको ने जमीन एक्वायर कर दी इधर के लोगों की, या भूमिपुत्र जो उसमें अलग अलग समाज के लोग हैं, अगरी, कोली, कुंडी, कराड़ी, ये सब समाज है। ये जमीन एक्वायर करते समय उन्होंने शुरुआत में तो रेट दिया, बोला 2000 रुपया पर एकड़ आपको मिलेगा। फिर 2000 एकड़ मिलेगा बोलेगा तो क्या 2000 कुछ भी मायने नहीं। 2000 के बाद फिर उन्होंने क्या किया, फिर वो सब दीपा पाटिल साहब ने वो सब पूरा संघर्ष अपने सर पे लिया। फिर उसके ऊपर 5000 उन्होंने सिडको ने बता दिया, 10000 बताया, 15000 बताया, आखिरी में 27000 तक एकड़ का रेट गया, 27000 रुपया पर एकड़। लेकिन सोच लीजिए कि 27000 रुपया पर एकड़ रेट भी रहे तो आज के समय में एक स्क्वायर मीटर का रेट है 1,00,000 रुपया नई मुंबई में, जिसमें कितने एक एकड़ में कितने स्क्वायर मीटर होते हैं, तो एक गुंठा जो बोलते हैं तो एक गुंठा में 100 स्क्वायर मीटर होते हैं, ऐसे 40 गुंठा हो गए तो एक एकड़ बनता है, यानी 4000 स्क्वायर मीटर का एक एकड़ बनता है। 1 स्क्वायर मीटर का आज सिडको 1,00,000 रुपया लेती है और लोगों को दिए कितने उसने, 27000 रुपया। और फिर दीपा पाटिल साहब ने शरद पवार जी के साथ बैठ के ये तय कर दिया कि ये लोग का अगर जमीन जाएगा तो कुछ नहीं रहेगा, फिर इनको कुछ तो कुछ फ्यूचर में रहना चाहिए करके 12.5% जमीन विकसित जमीन डेवलप करके उनको देना तय हो गया। 12.5% अगर विकसित जमीन दे दिया उनको तो कुछ ना कुछ तो उनके साथ रहेगा, जो लैंडलॉर्ड है, मालिक है, उनका कुछ ना कुछ मालिकाना तो हक रहेगा। ये हिसाब ये तय करके उनने 12.5% का तत्व प्रस्तावित किया और ये तत्व ये यहाँ ही नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में, देश में था। जो शहीद हुए थे लोग, वो दीपा पाटिल के आंदोलन के कारण इतने अपने आप को समर्पित कर दिए कि जो हमारा नेता बोल रहा है जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इस आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। आप उस वक्त किस तरह से साक्षी आप रहे होंगे, किस तरह का उस वक्त माहौल था दीपा पाटिल साहब को लेकर? एक्चुअली मैं आपको उसका एक बैकग्राउंड बता देता हूँ। ये जो अग्री समाज के लोग है यहाँ के, ये कोंकण रीजन है, कोंकण रीजन में अग्री समाज के लोग है, उनका एक इतिहास रहा है।
अंग्रेज जब ये अंग्रेज ने अपने ऊपर राज किया 150 साल, तभी अंग्रेजों ने ये देखा कि कौन से कौम क्या करते हैं, कैसा उनका क्या विशेषण है। अंग्रेजों ने अपने इसमें लिखा है सब डायरी में। उसने ऐसा लिखा है कि ये महाराष्ट्र राज्य ऐसा है जहाँ किसी को भी राज करना है कल ये महाराष्ट्र में, तो उनको दो जो है दो कौम है उससे सावध रहना चाहिए, उनका ईमान उसको उनका ये करना चाहिए, उनका कभी नाखुश नहीं करना चाहिए। एक है कोंकण की, एक कोंकण रेंज की आगरी कम्युनिटी और दूसरी है विदर्भ की हलवा कोस्टी कम्युनिटी। उनकी ये कम्युनिटी ऐसे है कि जो तय करेगी वो काम करते ही रहेगी, बराबर कि नहीं, जब तक तो होता नहीं काम तब तक तो वो पीछे नहीं हटते। तो इसलिए हम लोग जब दिवापाड़ी साहब ने बोला कि हमको ये चाहिए इतना रेट चाहिए, तो ये है कि ये कम्युनिटी पीछे नहीं हटेगी। कम्युनिटी ने बोला हम तो हक लेके ही रह गएंगे। फिर क्या किया सरकार ने, ये दड़पने के लिए पूरा आंदोलन दड़पने के लिए पुलिस को फायरिंग करने का आदेश हो गया और पुलिस ने फायरिंग कर दी। पहले दिन में 16 जनवरी को 2 जन हुतात्मे हो गए और 17 जनवरी को 3 जन हुतात्मे हो गए। और 2-3 जन हुतात्मे 84 के बाद, आप मानेंगे नहीं, 84 से आज तक वो हुतात्मा दिन हर जन इधर ये एरिया का हर आदमी वो दिन हुतात्मा दिन करके तय हो जाता है, उत्सव हो जाए, एक्चुअली उसमें सब शामिल हो जाते हैं। जिस तरह से पहले 12.5% योजना के लिए ये प्रकरणग्रस्तों को हक दिलाने के लिए जिस तरह के आंदोलन हुए और उस वक्त शहादत दी गई, आज नवीनबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उसी तरह की भावना है। जो युवा प्रकरणग्रस्त है वो दीवा पाटिल साहब का नाम के लिए अपने आप को कुर्बान करने को तैयार है। आप इस आंदोलन में भी आप सहभागी हैं, आपको ये युवाओं की जो सहभागिता वो कितनी महत्वपूर्ण लग रही है? नहीं, युवा तो क्या मालूम है, दिवा पाटिल साहब का नाम देख के हर युवा प्रेरित हो गए कि ये एक तरह से उनको भगवान करके मानते हैं कि जिसने खाली हमारे लिए किया सब कुछ। जो आप मानेंगे नहीं, 12.5% के वजह से जो जिनका जमीन गया, ऐसा पकड़ो कि 5 एकड़ भी जमीन गया, 5 एकड़ कोई किसान का जमीन हो एयरपोर्ट में इसमें सिरको ने एक्वायर कर दिया रहेगा, तो 5 एकड़ का उनको मिला कितना, खाली 1.25 लाख रुपया। लेकिन 5 एकड़ का आज उनको कितना मिला, 1 एकड़ के लिए 8 प्लॉट मिलते हैं, 9 प्लॉट मिलते हैं, तो 9 × 5 = 40 प्लॉट, 40 प्लॉट, और 1 प्लॉट का आज कीमत है 50 लाख रुपया, तो 20 करोड़ रुपया वो गरीब को मिल गया। यानी हर छोटा मोटा फार्मर है इधर का भूमिपुत्र करोड़पति बन गया, उनको समझता है उसको। अगर दिवा पटेल नहीं रहते, इस सरकार ने तो तय किया था कि इधर के काम को जो 95 विलेजेस है जो उनको लेके सिडको ने एक्वायर किया, 95 विलेज को लेके अहमदनगर औरंगाबाद जा पानी नहीं मिलता, वहां डालने का दिवा पटेल साहब थे करके इधर वो लोग रह गए, हम लोग रह गए, नहीं तो उनका बहुत बुरा हाल होता था। आज जो संपत्ति है, वेल्थ है, दिवा पटेल साहब के कारण है। तो हर युवा के मन में है कि दिवा पटेल साहब इतना किया हमारे लिए कुछ, तो हम थोड़ा तो कुछ करना चाहिए। और एक उसमें से छोटी बात यह है कि ये भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कम से कम हमारे साहब का, कल हम बोल सकते हमारे एरिया में जो एयरपोर्ट है ये दिवा पटेल साहब के कारण है, ये हमारी जमीन लिया उसके कारण है। चिड़को भले कह रहे कि 27-28% उनका शेयर है, मगर हम तो ये बोलते हैं, अरे 27,000 में जमीन, एकड़ जमीन में खरीदी किया और करोड़ों में आप बेच रहे हैं, ये तो पैसा तो आपका सिडको का है नहीं, ये तो हमारा पैसा है, हमारी जमीन का पैसा है। तो इसलिए हर युवा उत्साहित है, प्रेरित है। एक चीज जो सामने इसमें निकल के आई है कि सारी कारस्तानी जो है एयरपोर्ट नामकरण की, ये सारी कारस्तानी नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देश पर सिडको ने की है, जबकि 2008 से लेकर 2012, 2016, 2018 और 2019 में तमाम डिमांड्स इसको लेकर हुई है कि इस एयरपोर्ट पर दीवा पटेल साहब का नाम दिया जाए। यहां तक कि विधानसभा और संसद में भी इसको लेकर मुद्दा उठाया गया है, इस पर भी प्रश्न हुए हैं, इस पर भी डिमांड हुई है। इसके बावजूद भी नगर विकास मंत्रालय और शिवसेना की सरकार ने ये नाम, एकल नाम प्रस्तावित किया। आप इसे मानते हैं कि ये बड़ी राजनीतिक है, बड़ी कूटनीति है इसके पीछे? आपको मैं फ्रेंकली बता दूं कि एक्चुअली ये नगर विकास मंत्री जो आप कह रहे हैं, हमें हमारे ध्यान में ऐसा है कि पहले का ही रिक्शा चालक था, खुद रिक्शा चलाता था और रिक्शा चालक आज हजारों करोड़ का मालिक बन गया। आप सोच लीजिए कि कोई रिक्शा चालक अगर हजारों करोड़ का मालिक बनता है तो हमारे दिल में दुखने की कोई जरूरत नहीं, मगर हजारों करोड़ का ये पैसा कैसे कमाया, क्या गवर्नमेंट को टैक्स अदा किया है कि नहीं, और क्यों ईडी इनके पीछे नहीं लग रही एकनाथ शिंदे के, उनके एकनाथ शिंदे जैसा आदमी दिवा पाटिल साहब का नाम इतने 2008 से चल रहा है, ये एकनाथ शिंदे के हाथ में
हम हमारे और दूसरे सहयोगी हैं हमारे पनोलनगर आगरी समाज मंडल के, उनको हमने एक विज्ञापन दिया था कि ये एयरपोर्ट पे 2015 में सिद्धगढ़ में जब जो हुतात्मा का प्रोग्राम होता है उसमें हम दिया था और उनको कहा था कि भाई ये एयरपोर्ट के लिए दिवापड़े साहब का नाम होना चाहिए, तो बोले अच्छी अच्छी मूवमेंट है अब अच्छा कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना था वो टाइम पे। और ये एकनाथ शिंदे, अभी कोरोना का सीजन है, कोरोना के सीजन में हर ये महामारी में हर एक जन त्रस्त है, हर एक जन अपना बहुत कुछ खोया है इसमें, और ये अप्रैल के इसमें वो सिड़कों में प्रेशर करके एमडी के ऊपर और ये रिजोल्यूशन लाता है कि ये एयरपोर्ट को बाला साहब ठाकरे इनका नाम आना चाहिए। अभी ऐसा देखा जाए तो बाला साहब ठाकरे तो बहुत बड़े आदमी है, पूरा देश अपना उनका रिस्पेक्ट करते है, महाराष्ट्र तो डेफिनेट करता है, मराठी मराठी मन मन में बाला साहब का नाम है, मगर बाला साहब हमारे दैवत है, हम ऐसे मानते हैं कि बाला साहब हमारे दैवत है, मराठी अस्मिता है, मगर दिबा पाटिल साहब हमारे कुल दैवत है, दैवत जो देव मंदिर में रहता है, हम हफ्ते में महीने में या साल में जाके पूजा करते हैं, लेकिन कुल दैवत को हमेशा नमन करके हम घर से बाहर निकलते हैं। तो और एक ऐसी एक ही जगह है जहाँ बाला साहब ठाकरे का दिबा पाटिल साहब का नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये उनकी जन्मभूमि है और कर्मभूमि है। बाला साहब ठाकरे के नाम पे कोई भी प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में या देश में कहां भी रख सकते हैं। और शिवसेना जिसका वोट जो है ना, वोट बैंक है, ये हमारे आगरी कोली कम्युनिटी है, समर्थक हमारी कम्युनिटी, हमारे कम्युनिटी के वजह से उनको इतना एक कोंकण में जो उनके आमदार खासदार जो भी ब्लॉक प्रतिनिधि हमारे वजह से है, और हमारे हमारी कम्युनिटी को नाराज करके मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ये नहीं कर सकते है, शायद वो समझ जाएंगे। इन कल का जो ये हो गया, सिड़कों का घेराव हो गया, और सिड़कों घेराव में सरकार ने बहुत सारी कोशिश की, उसके बावजूद देरल करने में आ गया, तो इसलिए वो शायद वो समझ में आ जाएंगे और वो खुद तय करेंगे कि नहीं एयरपोर्ट को दिवापड़े साहब का ही नाम देना चाहिए, ऐसा तय करेंगे, हम उनका भी स्वागत करेंगे। एक जो आरोप लग रहा है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर कि जब फाइनल मीटिंग हो रही थी आंदोलन से 24 तारीख से पहले, तो यहाँ पर आप सब बहुत सारे प्रतिनिधि यहाँ पे गए हुए थे, और जब ये मुद्दा उठा कि बाला साहब ठाकरे का हट छोड़कर दीपा पाटिल साहब का नाम एयरपोर्ट पे दिया जाना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रकरणग्रस्त सड़कों पर उतरेंगे। आपको मैं बता दूं, 20 तारीख को मीटिंग बुलाई, हम लोग सब गए थे, 18 लोग थे, हम कृति समिति के, उसमें मैं भी था, और जब भी वो लोग ने तय किया है, सेना प्रमुख में पूछा अपना मुख्यमंत्री साहब ने कि भाई क्या आपने तय किया है, तो नहीं दिबा एयरपोर्ट को दिबा पड़े साहब का ही नाम होना चाहिए, और एक ही ऑप्शन वही ऑप्शन के दिबा पड़े साहब का ही नाम, तभी मुख्यमंत्री साहब बोले ऐसा कैसा होता है, इसके लिए कुछ आप पर्याय सुझाना चाहिए, तो हम बोले एक ही पर्याय है दिबा पड़े साहब का नाम, तो फ्रस्ट्रेट हो गया और मीटिंग छोड़ के चले गए। जब एकनाथ शिंदे उधर थे, फिर एकनाथ शिंदे ने हर उधर 18 लोग हम थे, एकनाथ शिंदे को बताया कि तुम कैसे गलत थे और गलत काम किए, हम संजय मुखर्जी को भी बताया, सिड़को एमडी को, तुम गलत किया, जब ही सिड़को में तुम्हारी कमेटी में लोक प्रतिनिधि है ही नहीं, नहीं, और लोक प्रतिनिधि रहने नहीं रहे, फिर भी तुम जो नौकर लोग है, नौकर लोग कैसे तय कर सकते हैं क्या पॉलिसी होनी चाहिए, यस, यस। तो हम लोग उसको बताया ये क्या सही है, भले यूडी मिनिस्टर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी बता रहे कि करो, मगर लोक प्रतिनिधि रहेंगे उनसे चर्चा करके कराना चाहिए, या इधर के लोक प्रतिनिधि है या तुम्हारे शिवसेना के इधर के लोक प्रतिनिधि, किससे आपने बात की, किससे नहीं किया, तुम प्रेशर करके दादागिरी करके सिड़को एमडी को बोला कि तुम तय करो, और सिड़को एमडी ने कर दिया, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री जी खुद आ गए, वापस आ गए 15-20 मिनट के बाद, और बाल बोले क्या तय किया, मतलब एक ही अभी दिवाबाड़ी साहब का नाम ही तय करेंगे, तो बड़ा प्रोजेक्ट बजट बड़ा प्रोजेक्ट में आप बाला साहब ठाकरे साहब का नाम दे दो, हमको कोई इसका ऑब्जेक्शन नहीं है। फिर मुख्यमंत्री बोले अगर बाला साहब का नाम हमने कम कर दिया या उसका नाम ये कर दिया, इग्नोर कर दिया, तो हमारा शिवसैनिक गुस्से में आ जाएंगे और पूरे महाराष्ट्र में शिवसैनिक रास्ते पे उतर देंगे, तभी मैं खड़ा होकर बोलवा इनको उद्धव ठाकरे जी को, उद्धव ठाकरे साहब ओबीसी जन मोर्चा का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और ओबीसी जन मोर्चा सब ओबीसी संगठना ने दिवापड़े साहब का नाम का पुरस्कार किया है, और ओबीसी एससी एसटी ओबीसी देश में ये देश में है बहुत संख्या में, और महाराष्ट्र में 80-85% समाज है ये एससी एसटी ओबीसी समाज है, और वो सब लोग अगर आप बोलते शिवसेना के रास्ते पे उतरेंगे और वो 80-85% समाज रास्ते पे उतरेगा तो क्या आपकी हालत होगी, और दूसरी बात यह है कि आपके शिवसेना में है कौन, ये हमारे तो लोग है 18 पकड़ जाती है, यही तो है आगरी कोली कुनबी समाज, ये आक्रमक है और ये बाहर निकल जाए तो आपका कोई प्रतिनिधि भी आ सकता है, जो आपका स्ट्रांग होल्ड है कोंकण रीजन उसमें क्या आ सकता है, कोई नहीं आ सकता है।
फिर वो सब देख के पूरा उनके दिमाग के बाहर चीज चली गई मुख्यमंत्री साहब के। जब ये आंदोलन हो गया है, राज्य सरकार के पास इसकी रिपोर्ट चली गई है कि प्रकरणग्रस्त जो है बहुत क्षुब्ध है, और कहीं ना कहीं अगर सरकार निर्णय नहीं बदलती है, प्रस्ताव को नहीं बदलती है, तो निश्चित तौर पर यह आक्रोश और बढ़ेगा, आंदोलन और भी तीव्र हो सकता है। आपको उम्मीद लग रही है कि अब सरकार जागेगी? आपकी जानकारी लेके कहता हूं, जो आज शिवसेना का एमएलए है उसमें से 15 से 20 एमएलए हमारे वजह से जीत के आ गए है, और उसके वजह से ये जो शिवसेना प्रमुख आज सीएम के कुर्सी में बैठे है, ओबीसी के वजह से बैठे है। तो आप सोच लीजिए है कि ऐसा जब ओबीसी ने मदद करके शिवसेना प्रमुख कुर्सी में बैठे है, और वही शिवसेना प्रमुख ऐसा करके शॉर्टकट में कोई आगर नगर के पास, हम सीएम को ब्लेम नहीं करते, मगर तुम्हारा एकनाथ शिंदे जो पैसे के कारण इतना ये हो गया कि कुछ भी करने को तैयार रहता है, कोई किसका सोचने को तैयार नहीं रहता है, तो उन्होंने ये करना चाहिए कि भाई एकनाथ अभी चुप बैठो, अभी उधर का लोकल समाज जो अपना है, बाला साहब ठाकरे अगर जिंदा रहते खुद बोलते थे दीवा का नाम लगा दो, मेरा नाम लगाने की जरूरत नहीं, इतना उनका होता था, तो एकनाथ शिंदे को चुप करेंगे, और हमारी आशा है क्योंकि मातोश्री में हम साथ में ऐसे बैठे दो दो फुट पे बैठे उद्धव ठाकरे के सामने, और उद्धव ठाकरे जी ने जो तरह से, तो मेरे को लगता है कि वो सोचेंगे ये हम लोग को नाराज तो नहीं करेंगे, अगर नाराज करेंगे तो आपको मालूम नहीं कि 1984 में 5 हुतात्मा चले गए थे बरार दीवा पड़े साहब के इसमें से, अभी ये कामोठा एक हमारा गांव है, जो गांव में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने तो ऐलान कर दिया है कि वो टाइम पे 1984 में 5 हुतात्मा गए थे, अगर आज 105 हुतात्मा ही चले गए तो भी 72 हम यहाँ से हटेंगे नहीं, और अभी तो ऐलान तो हमने कर दिया है कि ये तो घेराव तो हो गया, अभी आगे तो ये तो काम ही नहीं होगा इसके एयरपोर्ट का, एक काम ही बंद पड़ेगा, फिर ये सरकार जब तक रहेगी तब तक काम नहीं होगा, तो क्या करेंगे नाम लेके, इन खाली नाम लेके। सरकार का तो आपने इंटीमेशन दे दिया कि ऑलरेडी 15 अगस्त का जो अल्टीमेटम भी दिया गया है, अगर 15 अगस्त तक यानी स्वतंत्रता दिवस के पहले तक अगर सरकार ने इस पर फैसला नहीं किया तो निश्चित तौर पर एयरपोर्ट के निर्माण को रोकने की जो चेतावनी दी गई है वो प्रकल्पग्रस्त उसके लिए तैयार रहेंगे। आपको क्या लगता है कि अगर ये ऐसा नहीं होता, सरकार 15 तारीख के बाद भी नहीं करती है एयरपोर्ट का काम रोकने के बावजूद भी अगर नाम नहीं बदला जाता है तो फिर क्या भूमिका हो सकती है? वैसे तो पर्सनली देखा जाए तो उद्धव ठाकरे साहब एक जेंटलमैन है, कोरोना के स्थिति में मुख्यमंत्री साहब ने जैसे कोरोना को संभाला है तो उनका जो काम करने का नजराना किधर भी शोबाजी नहीं है, तो हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, हम 2 साल में बहुत बार उनके मातोश्री पे गए, वर्षा में गए, वो शायद करेंगे, मगर उनके साथ में जो बैठे हुए सलाहकार है, जो कंसल्टेंट है, मैं सोचता हूं उनको गलत राय देते हैं, और उन्होंने एक्चुअली इतिहास पढ़ना चाहिए कि भाई ये समाज को दुखाना नहीं चाहिए, जो अपनी जो शिवसेना की जो वोट बैंक है उनको दुखा के क्या करेंगे, अपने पैर पे कुराड़ी उड़ मारने के समान है। सर बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि जैसा कि जेडी टांडिल साहब ने कहा कि शिवसेना का जो आधार है उसका वोट बैंक कह लीजिए या जीत का जो आधार है वो आगरी और कोली समाज है, और जो बहुजन समाज है उसके जीत का आधार है, और ये जो आधार स्तंभ है शिवसेना के वो ये चाहते हैं, प्रकल्पग्रस्त चाहते हैं कि नवीन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दीवा पाटिल साहब के नाम पर पुनर्विचार किया जाए, बाला साहब ठाकरे का नाम जो प्रस्तावित किया गया इसका हट छोड़कर कहीं ना कहीं बहुजनों के जो नेता है दीवा पाटिल उनको सम्मान देने की कोशिश की जाए। उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार इस पर गंभीरता से सोचेगी और सकारात्मक निर्णय लेगी। आज की बातचीत तो बस इतना ही, अगली बार हम फिर किसी नई शख्सियत के साथ दोबारा आपसे रूबरू होंगे, तब तक दीजिए हमें इजाजत, लेकिन बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार।